जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, अब तहसीलदार को ये जानकारी देना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। अब मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत खेती संबंधित बटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई ये कॉपी जमा नहीं करवाता और फसल क्षति की देह राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा करता है तो शासन द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सामान्य तौर से कृषकों और भू स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को देकर खेती कराई जाती है, जिसे सामान्य तौर पर बटाई, सिकमी अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। इस संबंध मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। हित संरक्षण अधिनियम भूमि स्वामी एवं बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम 4 के तहत अनुबंध निष्पादित किया गया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, कोई भी बटाईदार भूमि बटाई पर लेकर यदि वे फसल क्षति की देह राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा करता है तो शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित किया हो, अन्यथा विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। विधानसभा में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान धार्मिक स्वतंत्र विधेयक पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि विधानसभा में चर्चा के बाद आज ये विधेयक पास कर दिया जाएगा। विधानसभा में आज कई ऐसे मुद्दे उठेंगे जिसके बाद विपक्ष के हंगामे के असर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल धर्म स्वतंत्र विधेयक पर चर्चा के साथ ही आज सदन में होशंगाबाद का नाम बदलने का भी मुद्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा भिंड में हुई व्यापारी की हत्या के बाद रेत खनन के मामले भी आज सदन में गूंजेंगे। जी हां दोस्तों, वही चापीहेड़ा से नलखेड़ा माल की जर्जर हालत कभी मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। इधर अतिवृष्टि से खराब सोयाबीन की फसलों के मुआवजे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इससे पहले धर्म स्वतंत्र विधेयक पर चर्चा करने के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया, जिसके बाद इस विधेयक को पास किया जा सकता है। इसके साथ ही स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को भी आज सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। अब ऐसे में कई ऐसे मुद्दे आज जिसके ऊपर सदन में हंगामे के असर नजर आते हैं। किसानों को जल्द मिलेगी सुविधा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बीते दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। दरअसल विभागीय समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए किसान स्मार्ट कार्ड देने की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी नीतियां तैयार की जाए जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो सके। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी में खाद, बीज, दवाई के लिए खेती से संबंधित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा किसान मंडी में अपनी फसल विक्रय करने के बाद खाते में आने वाली राशि का उपयोग स्मार्ट कार्ड से खरीदी में कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा किसानों को आवश्यक घरेलू सामान किफायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए आर्मी कैंटीन की तरह ही मंडियों में कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। इस पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है किसानों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित स्थानों पर इसको शुरू करने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही किसान क्लिनिक खोले जाने को लेकर 13 मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां प्रथम श्रेणी में 13 मंडियों में किसान क्लिनिक खोले जाएंगे। वही किसान क्लिनिक को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां किसानों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। 12,000 से 200 पर आई भोपाल में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें रेल मंत्रालय द्वारा बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए किए जाने से इसकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। एक साल पूर्व यानी कोरोना से पहले जहां तक भोपाल में प्रतिदिन 12,000 अधिकतम प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री होती थी, वही गुरुवार को इसकी संख्या 195 पर सिमट गई। कुछ ऐसा ही हाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर भी रहा। यहां भी आम दिनों में 4,000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म टिकट बिकते थे, लेकिन गुरुवार को यहाँ सिर्फ 66 प्लेटफॉर्म टिकट ही बिके। उल्लेखनीय है कि गुरुवार से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पुनः शुरू कर दी गई है और वे भी नई दरों के साथ।
हबीबगंज स्टेशन पर दोहरी मार। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई दरें हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर और भी ज्यादा महंगी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले से पार्किंग शुल्क कई गुना बढ़ा दिया गया है। अपने किसी रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने या ले जाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। अब प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपये कर दिया गया है। इससे लोगों को सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं मिलेगा। जंगली जानवर खेत या मकान को नुकसान पहुंचाएंगे तो सरकार मुआवजा देगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें राज्य शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार वन्य प्राणियों द्वारा मकान में पहुंचाई गई क्षति को भी प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि की श्रेणी में शामिल किया गया है। विगत दिनों मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि वर्तमान में प्रवर्तित मापदंडों में संशोधन करते हुए अब किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से नष्ट किया गया हो अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उसे भी आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के साथ वन्य प्राणियों द्वारा पीड़ित परिवार के कपड़े खद्दान एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपए आर्थिक अनुदान के रूप में तथा 50 किलोग्राम गेहूं चावल एवं 5 लीटर केरोसिन तत्कालिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में STRF से राहत राशि में ऐसे मद भी शामिल किए गए हैं जिनके विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, राज्य शासन द्वारा लिए आदेश अनुसार प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के मामलों में अब दे अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई तो भी अनुदान सहायता नष्ट हुई फसल के मूल्य के बराबर दे होगी तथा प्रत्येक खाते हेतु सभी फसलों के मामले में दे राशि 5,000 से कम नहीं होगी। व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी, सीएम ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई है। मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी विस्तृत जांच के लिए आदेश दिए हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों के समान अंक होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए हुई परीक्षा के परिणाम में शीर्ष 10 स्थान हासिल करने वाले टॉपर्स को एक जैसे अंक मिले हैं। उन्होंने एक ही कॉलेज से BSc की है और गलतियां भी एक जैसी है। ये सभी 10 छात्र चंबल क्षेत्र के हैं और इनमें 9 एक ही जाति के। हालांकि व्यापम के अधिकारी इसे महज सहयोग बता रहे हैं लेकिन परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवार इसमें घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। व्यापम ने 10 और 11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी कर दी गई है। परीक्षा के सभी 10 टॉपर्स ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से BSc की है। पीएम किसान की 8वीं किस्त आपको भी नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या आपका भी नाम रजिस्टर है? यदि इसका जवाब हां है तो आगे की खबर आपके काम की है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत आने वाले 11,66,00,000 किसानों में से लाखों लाभार्थियों को अभी भी 2,000 रुपए किस्त का इंतजार है। अभी भी 50,00,000 से ज्यादा किसानों की किस्त या तो अटकी है या फिर पेमेंट फेल होने के कारण उन्हें परेशानी होती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार 25 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ किसानों खातों में 18,000 करोड़ रुपए किस्त के रूप में डालने का काम किया था और इस योजना की 8वीं किस्त होली के आसपास आने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, तकनीकी खामियों के कारण अभी 1 मार्च तक करीब 4,00,000 किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुंच सकी है। पीएम किसान पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर यह बात की जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान है। उत्तर प्रदेश के 1,68,183 किसानों की 7वीं किस्त अभी भी पेंडिंग है। वही 49,357 किसानों का पेमेंट फेल होने से परेशान है। किसानों का पेमेंट लटकने के मामले पर नजर डाले तो इसमें दूसरा स्थान राजस्थान का है जहाँ 11,000।